हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस तरीके से वर्ड टू नंबर, नंबर टू वर्ड में कन्वर्ट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आप एक्सेल की तरफ चलिए, यहाँ पर हमने 10 टाइप किया है, आप इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए इस तरीके से आप 6 लिखिए और यहाँ पर आप 6 की स्पेलिंग आ जाए, ये आप कैसे कर पाएंगे बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से। इसमें आपको बता दूं पहले, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि ना ही तो आपको इसमें कोई कोड यूज़ करना पड़ेगा, ना ही कोई BBA कोड यूज़ करना पड़ेगा, ना ही कोई कोडिंग करना पड़ेगी और ना ही कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, और करके भी देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक से आप एक फ़ाइल डाउनलोड कीजिए, वो फाइल आपको इस तरह की नज़र आएगी डाउनलोड्स फोल्डर में। मैंने देखिए डाउनलोड्स में डाउनलोड कर रखी है, बस आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से आपके सामने ये फोल्डर खुलेगा, यहाँ से आप इस फाइल को कॉपी कीजिएगा और अपने कीबोर्ड से यानी के विंडो के साथ +R यानी रन खोलना है आपको, और यहाँ इस रन पर आपको टाइप करना है %appdata और फिर %, बस इतना करने के बाद ओके करें आप, और आपके सामने कुछ इस तरीके का अब पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट के बाद आपको यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है एड इंस, इस पर क्लिक करना है और जो फाइल आपने अभी कॉपी की थी बस यहाँ पर आप वो पेस्ट कर दीजिए, बस इतना काम करना है। और अब आप अपने एक्सेल की तरफ चलिए दोस्तों फिर, और एक्सेल में जाने के बाद आप एक नई फाइल बनाइए और यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा, जिस फाइल में आपको नंबर वगैरह करना है वो फाइल ले लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा मोर पर, और यहाँ से आपके सामने ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन का यूज़ होता है वो ऑप्शन का यूज़ हम करने वाले हैं। ये देखिए ऑप्शंस खुल गए हैं एक्सेल के, जो आपके सामने फाइल मेन्यू में ऑप्शन आते हैं वो फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर इस साइड में जगह मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन खोल लीजिए, यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ एडिंस पर क्लिक करना है और एडिंस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपको स्पेल नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ गया होगा, यहाँ से आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक्सेल एडिंस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से गो कीजिए और यहाँ से आप स्पेल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इतना करना है आपको, टिक करके ओके करना है, बस आपका काम हो गया है। अब आपको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, 10, 11, 12, 13 यानी 10, 11, 12, 13 कुछ भी आप नंबर टाइप कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाइए आप, जो फार्मूला अब आपके काम करेगा स्पेल नंबर। ये स्पेल नंबर फार्मूला हर एक्सेल में नहीं होता है, ये हमने अभी आपके सामने एक फाइल को कॉपी करके ऐड किया था, बस आपको इस सेल का एड्रेस देना है और ब्रैकेट करना है क्लोज, एंटर करना है। वाओ, ये देखिए दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक ये नंबर आ गया है ₹10 ओनली, जितने भी रुपए आपने लिखे होंगे सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करते चले जाइए, ये ऑटोमेटिक उस तरीके से चले जाएंगे। देखिए हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए आप, इसको बस आपको ड्रैग करना होगा और वो आपको लिखकर भी दे देगा। ये देखिए जैसा भी आपने माइनस में हो नंबर, पॉइंट्स में नंबर हो, कैसे भी अगर आपके पास नंबर हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम एक लॉन्ग नंबर देते हैं, लॉन्ग नंबर में दोस्तों प्रॉब्लम आती है, ये देखिए यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आपके सामने। ये देखिए 1,10,000 ओनली, इस नंबर को और लॉन्ग करते हैं और अब आप देखिए 10,01,786 ओनली। तो देखिए दोस्तों हम कितने आसानी के साथ ये काम कर पा रहे हैं, बस एक
कोड कॉपी करके। ये कोड हमने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड आप लिंक वहाँ से डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, इस फाइल को कॉपी कीजिए और विंडो के साथ R दबाकर रन खोलिए। यहाँ पर ऐप डाटा परसेंटेज लिख कर ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना होगा, एडिंस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से पेस्ट कर देना होगा। बस इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका ये काम हो जाएगा और आप भी अब एंजॉय कीजिए एक्सेल के साथ, जहाँ पर आप इस तरीके की कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको भी एक्सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी काम को करने में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप बिना झिझक के कमेंट करके पूछिए। उम्मीद करता हूँ आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जल्द से जल्द हाजिर होऊंगा और आपकी प्रॉब्लम भी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अहम मकाम रखती है, क्योंकि आपकी हेल्प करने में मुझे बेहद खुशी महसूस होती है, क्योंकि खिदमत खल्क करना इंसान का सबसे अहम फरीज़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।